खुरी बाप बोले तो ब्लडी डेड ये मूवी आ चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ये मूवी कैसी है, क्या ये मूवी ओवरहाइप्ड है, इसकी स्टोरी कैसा है, एक्शन क्या है, क्या तुमको ये मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, ये डिसाइड करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि चीजें वैसी है नहीं जैसी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें इसके स्टोरी के बारे में, तो देखो स्टोरी कुछ खास ज्यादा नया नहीं है, वही है जो हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं। एक गैंगस्टर है जो कि ड्रग्स बेचता है और उसका एक बहुत बड़ा ड्रग्स से भरा हुआ बैग पकड़ लेता है एक पुलिस ऑफिसर जो कि है शाहिद कपूर। तो शाहिद कपूर के बेटे को जाकर के किडनैप कर लेता है और बोलता है ड्रग्स दे दो बेटा ले लो। अब शाहिद कपूर कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलता है, निकल भी पाता है या फिर नहीं निकल पाता है, ये इस मूवी की स्टोरी है। बट इट्स नॉट दैट सिंपल, मतलब मूवी में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आते हैं जो कि काफी हद तक ठीक ठाक है, लेकिन एकदम माइंड ब्लोइंग नहीं है, बहुत ही मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं कह सकते हो, सिंपल से एवरेज से ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते हैं जिसको कि आप कुछ हद तक प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने सोचा था कि इस मूवी को देखना एक बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, वो सच नहीं है। मतलब मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा फ्लैट और सिंपल सी है, मतलब ट्विस्ट वगैरह तो ठीक है लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो सारी चीजें ऑलरेडी तुमको एडवांस में पता चल जाती है, आप चीजों को प्रिडिक्ट कर पाते हो। एंड स्टोरी यार कुछ खास ज्यादा अलग नहीं देखने को मिलता, वही सब देखते हैं जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बट इस मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो काफी ज्यादा अलग है, अच्छा है और उसमें मजा आता है। मतलब 2 घंटे की मूवी है और काफी सारी चीजें फास्ट फास्ट चल रही होती हैं, एंड इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल चीजों को भी इतने ज्यादा फास्ट फास्ट दिखाया जा रहा होता है कि तुम्हारे दिमाग को एक कॉन्स्टेंट किक मिलता रहता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है, तो मूवी में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है, मूवी से तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के नहीं जाता है कहीं पर। मतलब मूवी देख लेते हो यार पूरा एक बार में, मूवी बोर नहीं करती, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं। बात करें एक्शन की तो देखो एक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है इसमें, मोस्टली हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंसेस ही देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्सिंग और अच्छे लगते हैं। मतलब मोस्टली सीन्स जो है ना ऐसे बंदूक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्टली फाइट हो रही होती है एंड वो सारे सीन्स काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके जो भी एक्शन सीन्स हैं उसको बनाने के पीछे काफी ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच ही रखा गया है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हीरो को बहुत ज्यादा ऐसे सुपर पावर दे दिए गए हैं एंड बहुत ज्यादा उसको पावरफुल दिखा दिया है, वो भी हमारे और तुम्हारे बीच का ही कोई एक नॉर्मल इंसान है जिसको कि थोड़ा अच्छे से फाइट करना आता है, तो वो भले ही विलेन को मार रहा है लेकिन उसको भी इक्वली चोट लग रहा है। और ये सारी चीजें जो है ना एक्शन सीन्स को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती है और इसके वजह से इसका एक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड प्लीज इसको जॉन विक के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, रीजन यही है जॉन विक जैसा लग रहा है, सूट पहन के फाइट कर रहा है, मोस्टली हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंसेस है इसीलिए जॉन विक जैसा लग रहा है, तो मत करो यार कंपेयर, वो एक अलग मूवी है ये अलग मूवी है, तो उसके साथ कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन पता है इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी, वो है इसका विलेन। मतलब विलेन का करोड़ों का माल फंसा हुआ है, पता नहीं उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बैठ करके जोक्स क्रैक कर रहा है, उसके ड्रग्स की जगह पर आटा निकलता है और वो अपना कपड़ा झाड़ रहा है, अरमानी गुची के अपने सूट को डिस्कस कर रहा है। भाई मतलब विलेन खुद को सीरियसली नहीं ले रहा है, ऑडियंस कहां से सीरियसली लेगी। देखो विलेन ऐसा होना जिसको देखकर ऑडियंस तक डर जाए, यहां विलेन से खुद विलेन अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहा, खुद ही जोक्स क्रैक कर रहा है, मतलब अजीब सा ही बना दिया यार। विलेन में दम नहीं है, देखो हीरो पावरफुल है लेकिन उसके पावर्स असली में दिखाई तब देते हैं जब उससे ज्यादा पावरफुल विलेन है, एंड विलेन को जोकर बना दिया है, विलेन बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। अब इतना सुनकर तुमको पता चल ही गया होगा कि मूवी को थोड़े से फनी बनाने की कोशिश की गई है, पूरी मूवी में छोटे मोटे जोक्स क्रैक होते रहते हैं जिनको सुनकर तुम हंसो भले ही ना लेकिन चेहरे पर स्माइल तो आ ही जाती है। इसी के साथ एक सीन है मैं बताता हूँ, भाई बेस्ट सीन है मूवी का, करीब 50 मिनट पे ये वाला सीन है जब शाहिद कपूर ड्रग्स की जगह पर आटा भर करके ले जाता है और विलेन को दे देता है, पूरे स्वैग के साथ जाता है, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले जाकर दे देता है, 4 गाली विलेन को देता है। विलेन भी शॉक हो जाता है कौन ये मुझे गाली दे रहा है, विलेन बोलता है तू जानता है मैं हूं कौन, मुझे ऐसे गाली दे रहा है, शाहिद बोलता है तू जो भी हो मैं तेरा बाप हूं ये ले। और वो वाला सीन भाई जिस तरह से शाहिद कपूर ने परफॉर्म किया है, भाई बेस्ट सीन है मूवी का, मतलब इसको तो देखना ही देखना, मतलब बहुत ही मस्त है। एंड इसी के साथ बात करें एक्टिंग की तो भाई शाहिद कपूर ने क्या ही बवाल एक्टिंग किया है, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। कुछ सीन्स है जहां पर चीजें काफी ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली गई रहती हैं, उसके कंट्रोल के बाहर चली गई रहती हैं, एंड उन सारी चीजों को जिस तरह से वो हैंडल करता है, एक डिसीजन लेता है फिर उसको चेंज करके दूसरा डिसीजन लेता है, फिर कुछ और करता है फिर कुछ और करता है, जिस तरह से उन्होंने इस रोल को परफॉर्म किया भाई गजब है वो। चाहे सीन कितना भी इंटेंस हो, कुछ भी हो रहा हो स्क्रीन पर, चाहे कुछ भी हो जाए, बंदे के चेहरे से स्वैग बिल्कुल नहीं जाता है। जिस एटीट्यूड के साथ, जिस एकदम बैडस लुक के साथ इन्होंने इस रोल को प्ले किया है, भाई ऑसम है वो, उसको तुम बीट नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग है जो शाहिद कपूर ने अभी तक की है, उनका वन ऑफ द बेस्ट रोल मुझे ये देखने को मिला है। तो देखो यार ओवरऑल बात यही है कि मूवी अच्छी खासी है, इसको एक बार देखा जा सकता है, लेकिन इसे कुछ खास ज्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखना, स्टोरी वाइज कुछ खास ज्यादा तुमको देखने को नहीं मिलने वाले, ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, बट इट्स अ गुड डिसेंट मूवी जिसको तुम एक बार देख सकते हो, वैसे भी फ्री में अवेलेबल है।